गाइज के हिसाब से भी लोग स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो में। तो गाइज आज हम लोग मजेदार गेम खेलने वाले हैं जिसका नाम है पावर वॉश। तो इसमें यार अपने को ना चीजें वगैरह साफ करने हैं, जैसे कि आप लोग सामने की तरफ देख ही पा रहे होंगे कि इतनी ज्यादा गंदगी जमी हुई है यहाँ पर ना। ये पता नहीं भाई क्या ही छोटी सी झोपड़ी बना रखी है और पूरा जो गार्डन वगैरह साफ करते हैं यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा गंदगी वगैरह जमी हुई है। तो हम लोग ना इसको पूरा साफ करने वाले हैं। तो गाइज आप लोग अभी जाकर के वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नहीं तो चैनल को ना सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पर ये कितनी छोटी सी भाई गाड़ी है, इसको बिना अपने को पूरा साफ करना होगा। तो चलो यार मैंने ना इसको पूरा साफ करना तो शुरू कर ही दिया है। और गाइज आपको यार ये वीडियो बढ़िया लगने वाली है क्योंकि यहाँ पर ना आज हम लोग पूरा साफ सफाई का काम सीखने वाले हैं। तो अपने को राइट साइड में कोई शायद से मैसेज वगैरह आया है, तो इस टाइम पर ना मैसेज में तो मैं कोई भी ध्यान नहीं दे रहा हूँ क्योंकि अपने को ना पूरी चीज़ें साफ करनी होंगी। वैसे यार ये वाला स्प्रे लेते हैं क्योंकि ये ना ज़्यादा पानी मार रहा है, वो पतला सा था भाई उसमें ना ज़्यादा पानी तो निकल नहीं रहा था। और इस टाइम पर वैसे ना जहाँ तक तो मुझे लग रहा है कि मैंने ना बस इस वाली गाड़ी को चमका ही दिया है। ये भाई एक टोए कार है, ऊपर वाली साइड पर लिखा ही हुआ है और ये प्लास्टिक है, तो इसको ना भाई पता नहीं कैसा पानी चाहिए होगा। अब मैं तो भाई जैसे तैसे इसको साफ तो करता जा रहा हूँ और यहाँ पर ना शायद से ये साफ भी हो जाए क्योंकि ये पहले तो ना इतनी ज़्यादा गंदी थी और ना अब तो ये बहुत ज़्यादा साफ लग रही है। तो बस भाई पूरी साफ अभी तक भी नहीं हुई है, ये 1% बिना अपनी भाई ऊपर की तरफ क्लीन्ड आप लोग देख पा रहे होंगे, वो अपनी लोडिंग एक बार भी ना बढ़ी नहीं है। उसको ना अपने को पूरा 100% तक लेकर के जाना होगा तो तभी जा करके ना अपनी पूरी चीज़ें साफ होने वाली हैं। तो अभी ना वैसे यार इस कार को मैंने पूरा साफ करने में जोर तो लगा दिया है और ये तो भाई गाड़ी साफ होने में ही नहीं आ रही है। वैसे यार ये कार तो है बहुत ज़्यादा बढ़िया, टॉय कार है यार, बहुत ज़्यादा अच्छी तो लग रही है देखने में। और इस टाइम पर बस थोड़ी सी ना इसकी गंदगी वगैरह रह चुकी है, जैसे कि टायर्स के आसपास यहाँ पर ना मिट्टी वगैरह लगी हुई है। यहाँ पर थोड़ा सा और अपने को इसको साफ करना होगा और ना ये बस साफ होने वाली ही है। भाई कितनी ज़्यादा गंदगी है यार इसमें। और फाइनली इसकी ना सीट वगैरह तो पूरी साफ हो गई है और ना बस इसके थोड़े से टायर्स वगैरह रहते होंगे। और शायद से अब ना हमने सारी कार तो क्लीन कर दी है और ना अपने को इस वाले झूले को भी साफ करना होगा। और भाई जैसे ये जला दिया यार किसी ने रख करके, कितना ज़्यादा गंदा हुआ पड़ा है। अब पता नहीं इसको साफ़ करने में मुझे कितना टाइम लगने वाला है। मैं ना ये वाला थोड़ा सा जो भी प्रेशर है इसमें मारने वाला हूँ और ना प्रेशर तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है इनके घर से। और यहाँ पर इस टाइम पर ना मैं इस वाले पूरे झूले को भी साफ़ कर रहा हूँ। जो ये झूले के ऊपर पता नहीं भाई क्या ये सोफ़ा टाइप लगा ना, इसको भी मुझे पूरा चमकाना होगा। और यहाँ पर ना नीचे वाली साइड पर तो यहाँ पर कितनी ज़्यादा मिट्टी वगैरह लग रही है और मैं ना इसको पूरा कोशिश तो कर रहा हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी साफ़ कर दूँ। वैसे यार अपने को ना टाइम तो बहुत लगने वाला है इस वाले पूरे बैक यार्ड को पूरा साफ़ करने के लिए, क्योंकि गाइस ये ना एक पूरा पार्क है एक तरह का। इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो सारा कुछ अपने को साफ़ करना है। जो ये येलो येलो है ना यार, ये अपने को पूरा साफ़ करना होगा तो ही जा करके ना यार अपने को पैसे वगैरह मिलने वाले हैं। तो इस टाइम पर ना हम लोग पूरा सफाई का काम आज हम लोग सीखेंगे और ना आपको भी यार मज़ा आ ही रहा होगा। और इस टाइम पर ना पूरा मैं इसको साफ़ तो कर रहा हूँ और देखते हैं गाइस ये कितना टाइम लगाने वाला है साफ़ होने में। और ये शायद से लकड़ी है जहाँ तक मुझे लग रहा है जो ये झूला है, क्या पता यार गंदगी करके लग रहा हो। वैसे ये ना पूरा लोहे का होने वाला है और यार कितनी मिट्टी है यार इसके अंदर। तो पूरा ना मुझे इसको अच्छी तरह साफ़ करना होगा और जल्दी जल्दी से। ये तो बस पूरा साफ़ होने वाला है और ना मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसके ऊपर का कैसे साफ़ करूं, क्योंकि यहाँ पर तो चढ़ने की कोई भी जगह मुझे दिखाई नहीं दे रही है। मैं ना पूरी कोशिश तो कर रहा हूँ इसको साफ़ करने की और यार साफ़ करने के साथ साथ यहाँ पर ना थोड़ा सा पानी भी दे देते हैं पेड़ पौधों को तो सही रहेगा। अब पानी देने का टाइम नहीं है मेरे पास, पहले ना मैं इसको साफ़ सफाई को पूरी कर लूँ उसके बाद ना यार हम लोग पानी वगैरह तो देते रहेंगे। और ये चैन अब जा करके चमक रही है थोड़ी बहुत, तो पहले तो भाई जैसे लग रहा था कि धागे से इसको लटका रखा है। और फाइन लिया थोड़ा बहुत तो ये साफ़ हो चुका है, पहले से तो भाई इसमें फ़र्क आया है जहाँ तक तो मुझे लग ही रहा है। और इसके छत के मैं ऊपर पता नहीं गाइस कैसे चढ़ूँ, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। कोई ना कोई अपने को ना जुगाड़ तो लगा नहीं होगा क्योंकि जो अपना पानी का प्रेशर है वो तो काफ़ी ज़्यादा तेज है। अभी तक बस अपना 4% ये साफ़ हुआ है, अपने को भाई 100% इसको पूरा साफ़ करना होगा। और यहाँ पर यार बस इसको मैं जल्दी जल्दी से साफ़ करता हूँ फिर मैं आपको मिलता हूँ। गाइज यहाँ पर ना बस मैंने इस वाले पूरे झूले को साफ़ कर ही दिया है और ये जो छत है ना इसकी बस यही मुझे साफ़ करने के लिए रह गई है। और पूरा झूला आप लोग यहाँ पर चेक कर लो कि पूरा ना अब तो चमकने लग चुका है, पहले तो भाई जैसे जिसने यार मिट्टी पूरी रख रखी थी इसके ऊपर ऐसा लग रहा था। और हो जाना कितना ज़्यादा गंदा हुआ पड़ा था, वैसे तो अब तक पूरा साफ़ यहाँ पर हो चुका है भाई। पूरा चाट चाट के मैंने इसको साफ़ कर दिया एक तरह से। बस भाई ये पूरा साफ़ हो चुका है, अब ना इसकी छत वगैरह थोड़ी सी गंदी रह चुकी थी और ना इसको भी मैंने कूद कूद करके तो पूरा साफ़ कर ही दिया है। मैं सोच रहा हूँ कि इसको अब मैं साफ़ कर लेता हूँ। और ये बिल्ली बैठी है क्या,
नहीं ये बिल्ली तो नहीं है, मुझे देखने में लग रहा था। और ठीक है यार, अब ना मैं इसको साफ कर लेता हूँ। अब ना यार, इसको भी अपने को साफ करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। और यहाँ पर मैं ना इसको पूरा साफ तो करने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे ये वाला भी हम लोग फेर सकते हैं, इसमें भी ना अपनी मिट्टी वगैरह पूरी चली जा रही है। और वैसे यार सही है, बहुत ज़्यादा बढ़िया तो है, क्योंकि ना अगर अपने को छोटी छोटी चीज़ों में इसको साफ़ करना है तो अपने को ना ये वाला जो भी इसका प्रेशर वाला पंप है इसे मारना पड़ेगा। और ना अगर अपने को ज़्यादा साफ़ करना है तो हम लोग ना इसे भी मार सकते हैं। तो अभी तो मैं इसको यूज़ करूँगा, क्योंकि यार अभी ना अपने को पूरा इसको सीधा ही साफ करना है। और ना यहाँ पर मैं इसको पूरा चाट चाट के तो एक तरह से साफ कर ही दे रहा हूँ, क्योंकि यार अपना बंदा पूरा बैठ ही गया है मिट्टी के अंदर, जैसे ही ना ये घुस चुका है। और वैसे ना मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको अच्छी तरह मैं साफ कर दूँ, क्योंकि ये जो नीचे वाली मिट्टी है ना ये कुछ ज़्यादा ही टाइम लगा दे रही है। और यहाँ पर ये तो वैसे ना जल्दी साफ हो जाएगा, क्योंकि आधे से तो ज़्यादा ये हो ही गया है। और वैसे ना इस वाले मैं पानी को मार लेता हूँ, क्योंकि ना ये कुछ ज़्यादा जल्दी कर लेगा साफ। और नीचे वाली साइड पर तो हम लोग बाद में उसको मार लेंगे, और रोटेट वगैरह करके भी मारते हैं। देख रहे हो गाइस, यहाँ पर ना इसकी रोटेशन वगैरह हो जाती है, पर एक सेकंड ये ना रोटेट करके इतना ज़्यादा बढ़िया साफ नहीं कर रहा है। तो ना अपने को इसको ऐसे ही साफ करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये रोटेट होकर के साफ ही नहीं होगा तो ना अपने को दुगना टाइम लगने वाला है। तो वैसे मैं ना इसको भी पूरा साफ तो करता जा रहा हूँ, और ना देखते हैं ये कब तक साफ होने वाला है। एक साइड इसको साफ करने में तो अपने को टाइम लग चुका था, वैसे 2 मिनट ही लग गए होंगे या तो कम ही लगा होगा। और ये जो खिड़की है ना इसको भी मैं पूरा साफ़ कर लेता हूँ, और ये कितना सही लग रहा है, खिड़की भाई साफ हो रही है बहुत ज़्यादा आराम से, क्योंकि ना इसमें इतनी ज़्यादा मिट्टी तो नहीं थी। और यहाँ पर ना बस मिट्टी को मैं पहले पूरा निकाल लेता हूँ, और उसके बाद ना हम लोग फाइनल इस वाले ब्रश से करने वाले हैं। देख रो ये ना एक ही बार में पूरी मिट्टी वगैरह हटा देता है। और ठीक है यार, मैं पूरा बैठ बैठ करके नीचे से पूरा इसको साफ़ कर लेता हूँ, और ना जो भी इसकी मिट्टी वगैरह ये हट जाएगी। तो देखते हैं इसको कितना टाइम लगने वाला है अपने को साफ़ करने में। और उसके बाद ना अभी तक तो अपना भाई 9% हुआ है, ये लकड़ियाँ हैं। और ना हम लोग इसको अभी इसी से साफ़ करने वाले हैं। और ऊपर वाली साइड पर ना अभी हमने 9% इसको साफ़ करा है, तो पूरा ना इसको टोटल अपने को करना होगा 100%। तो टाइम तो लगने वाला है बहुत ज़्यादा। गाइस अभी आप लोग इसको देख लो कि ना ये पूरा चमक चुका है, और ना अब इसकी चमक तो भाई बहुत ज़्यादा सही लग रही है। और उसके साथ साथ ना ये भी थोड़ा सा तो साफ हो चुका है, क्योंकि ना जब मैं उसके ऊपर पानी मार रहा था तो थोड़ा बहुत तो पानी मैंने इसके ऊपर भी मार ही दिया था। और ना ये चीज़ तो जल्दी ही साफ़ हो जाने वाली है। और वैसे ना मैं इसको भी चमकाता हूँ, फिर ना देखते हैं कि अपने को क्या करना है। वैसे ना पीछे वाली साइड पर जो आप लोग देख लो कि यहाँ पर ना जो गंदगी है बहुत ज़्यादा ही है, ये तो भाई साफ होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाने वाली है। तो ना इसको तो हम लोग बहुत ज़्यादा आराम से करने वाले हैं, क्योंकि यार यही मेन चीज़ है यार, कुछ ज़्यादा ही गंदगी है यार इसमें तो। और इस टाइम पर मैं तो पहले यार पानी को वेस्ट करना पहले बंद करूं, और इस टाइम पर ना अब मैं इसको साफ़ कर लेता हूं। और वैसे ये वाली मशीन तो हो ही जाएगी साफ़, जहाँ तक तो मुझे लग रहा है अपने को इसको बैठ करके पूरा साफ़ करना होगा। और जो ये वाला है ना, ये वाला प्रेशर मैं इसके ऊपर मारता हूँ, क्योंकि ना ये पूरा अच्छी तरह मिट्टी वगैरह को भगा देता है। सही है, साफ़ तो हो चुकी है। और देखते हैं यार, ये ना एक प्लास्टिक है, लॉन मूवर इसका नाम है। तो ठीक है यार, वैसे तो लॉन मूवर ही बोलते होते हैं इसको। और यहाँ पर जो ये टायर्स वगैरह हैं ये भी ना मैं पूरा साफ़ तो करते जा रहा हूँ। और इस टाइम पर ना जो है इसका इंजन है, इसके इंजन में पानी वगैरह चल जाए तो कोई दिक्कत की बात तो नहीं है ना, कहीं पता चले कि बाद में इसका मालिक बोले अपने को कि यहाँ पर ये वाली जो मेरी मशीन है ये तो चलने में ही नहीं आ रही है। और फिर ना भाई अपनी गारंटी नहीं है, क्योंकि अपने को यार इसको बस साफ़ करना था। गाइज मैंने ना इस वाली मशीन को तो पूरा साफ़ कर ही दिया है, पूरा देख रहे हो इसकी ना अब चमक वगैरह तो आ रही है पूरी यार, ये शाइन वगैरह मार रही है। अब अपने को क्या करना है भाई, इतना ज़्यादा अपने को ना साफ़ वगैरह करना होगा अभी इसको। और यहाँ पर और क्या साफ़ करने को, वैसे सामने वाली साइड पर ना इसको हम लोग साफ़ कर लेते हैं, जो ये जैसे इसके ऊपर खाना वगैरह बनाया जाता है, जैसे बर्गर वगैरह बन जाते होते हैं, हाँ ये ना एक तरह की गैस है। तो ना इसको हम लोग पूरा साफ़ कर लेते हैं। भाई नीचे तो बहुत ज़्यादा मिट्टी हुई पड़ी है, पैरों के निशान तक अभी तक नहीं हटे हैं। और वैसे पता नहीं कितनी ज़्यादा सदियों से ना इसकी पूरी साफ़ सफाई नहीं करी थी इन लोगों ने, और पूरी साफ़ सफाई ना मेरी से ही करवानी थी कहीं इन लोगों ने यार। वैसे ना गाइस मैंने फर्श के साथ साथ तो गैस को भी बस साफ़ कर ही दिया है। यहाँ पर ना नीचे वाली साइड पर थोड़ी सी मिट्टी रह चुकी है, इसको भी ना मैं पूरा साफ़ कर लेता हूँ, क्योंकि वैसे ना ऊपर से एक बारी मैं उठ करके दिखा देता हूँ। पूरा देख लो यहाँ पर ना मैंने इसको पूरा चमका तो दिया है, चमक भी आ रही है, बस ना थोड़ा सा फर्श रह चुका है लेफ्ट वाली साइड से। राइट वाली साइड को तो मैंने बस पूरा साफ कर ही दिया है। तो ठीक है यार, वैसे इसको भी हम लोग जल्दी साफ़ कर लेंगे जहाँ तक तो मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने ना इसको भी जल्दी जल्दी से साफ़ कर दिया है। और जो ये चीज़ें हैं ना, जो ये भाई पतली पतली सी रोड जा रही है, इसको ना हम लोग एक ही बार में पूरा साफ़ कर देने वाले हैं, वो भी छोटे वाले ब्रश से। गाइस बस इस तरह थोड़ी सी मिट्टी रह चुकी थी, और वो भी ना मैंने पूरी साफ़ तो कर दिया है।
और वैसे ना ये चीज भी मैंने बस पूरी साफ कर ही दिया है। नीचे वाली साइड से थोड़ी बहुत मिट्टी रह चुकी है, उसको भी हम लोग कर लेंगे साफ। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने ये सब तो साफ कर दिया है और इसको भी ना बस मैंने साफ कर ही दिया जो ये गैस है, अब उसे कौन साफ करे यार। उसका तो मुझे साफ करने का बिल्कुल भी मन ही नहीं कर रहा है क्योंकि इतनी ज़्यादा यहाँ पर ना मिट्टी वगैरह जमी हुई है, तो कौन ही साफ करे यार। अपने को ना $194 मिल जाने वाले हैं अगर हम लोग इतना साफ करके यहाँ से चले जाएंगे तो। तो ठीक है यार, मैं तो सोच रहा हूँ कि उसको ना हम लोग कभी बाद में साफ़ कर लेंगे। तो अभी ना मैं बस इस वाली गैस को पूरा साफ़ कर लेता हूँ, उसके बाद ना यार हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे क्योंकि यार वो तो कुछ ज़्यादा ही भाई गंदा हुआ पड़ा है। वो तो नम ही बनवा लेंगे तो सही रहेगा, साफ़ तो भाई कौन कर पाएगा। और ये चीज़ भी साफ़ हो चुकी है तो बस ना वही वाली चीज़ रह चुकी है। चलो यार इस वाली वीडियो को हम लोग यहीं तक रख लेते हैं। तो गाइस अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को जा करके अभी लाइक कर दो, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को बिना सब्सक्राइब कर ही दो। और आप लोग ना गाइस कमेंट्स में बता देना कि ये वाली चीज़ अपने को साफ़ करनी चाहिए कि नहीं। वैसे तो यार कौन ही साफ़ करे इसको, हम लोग ना कुछ और ही चीज़ अगली वाली वीडियो में साफ़ कर देंगे। तो यार मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।